चुनाव किसे मिलेगा? बसपा के ना लड़ने का फायदा मुख्तार के घर में दारा सिंह को क्यों है कॉन्फिडेंस? घोसी के चुनावी रंग में बीजेपी को सपा की सोशल इंजीनियरिंग का इम्तिहान है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बहुतायत वाले इस सीट के उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं। घोसी के चुनावी रंग में बीजेपी और सपा की सोशल इंजीनियरिंग का इम्तिहान है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता वाली सीट के उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं। बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से भगवा खेमा उत्साह। परंपरागत वोट बैंक के साथ बीजेपी की कोशिश मुस्लिमों के बीच मिशन पसमंदा को आगे बढ़ाने की भी है। हसन बाहुबली मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाले इलाके में सपा के सामने मुस्लिमों में सीनमारी रोकने का भी चुनौती है। घोसी के चुनावी अखाड़े में अब बीजेपी और सपा के बीच आमने सामने की लड़ाई है। बीएसपी और कांग्रेस के इस उपचुनाव से किनारा कर लिया है बीजेपी ने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के रूप में दलित, तो सपा ने सुधाकर सिंह के रूप में अगले चेहरे पर दाव लगाया है। बीजेपी का प्रयास यहां पसमंदा में सीध लगाने के साथ ही सपा को मुस्लिम यादव समीकरण से समेटने का है। दलित प्रत्याशी देने वाली बीजेपी की कोशिश बसपा की गैर हाजिरी ने उसके वोट बैंक को भी अपने पाले में खींचने की है। पसमंदा पर किया सरकार से संगठन तक निवेश बीजेपी काफी समय से पसमंदा मुस्लिमों में पैक बढ़ाने का प्रयास कर रही है। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का लाभ देने की बात तो होकर रही, सरकारी संगठन के प्रतिनिधित्व पार्टी ने हर जगह दरिया दिली दिखाई है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योगी सरकार में मुस्लिम चेहरे के रूप में मोहसिन रजा शामिल थे, मगर योगी टू में उनकी जगह पसमंदा समाज के आने वाले दानिश अंसारी ने ली है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग हो या अन्य संस्था वो आयोग, सब जगह इस वर्ग के लोगों को नुमाइंदगी दे रहे हैं। मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारुक मंसूर को पार्टी ने सिर्फ एनएलसी ही नहीं बनाया, सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया है। वो पसमंदा मुस्लिमों पर पार्टी द्वारा दिए गए निवेश के नतीजों को भी घोषित चुनाव में दिखाई देंगे। सपा के सामने है चुनौती, में सपा के सामने चुनाव में अपनी सीट को बरकरार रखने की चुनौती होगी। दारा सिंह पाला बदल चुके हैं और सपा भी इस बार उनके साथ नहीं है। अब देखना ये है कि पार्टी माई के समीकरण के इतर अन्य जातियों को साधने की मुहिम में कितनी सफल हो पाती है।